खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में योगी सेना के कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों ने खटीमा उप जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह बिष्ट तथा कोतवाली प्रभारी को एक ज्ञापन सौंप कर मोहम्मदपुर भूड़िया निवासी एक व्यक्ति पर धर्मांतरण कराने तथा चर्च निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी प्रदर्शन किया तथा उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खटीमा क्षेत्र के विभिन्न गांवों की भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर व प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, साथ ही चर्च का भी निर्माण कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मदपुर गुड़िया निवासी कुछ लोग विगत कई वर्षों से हिंदू धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जिनको अविलंब रोका जाना चाहिए। उन्होंने उनकी अचल संपत्ति की जांच तथा निर्माणाधीन चर्च को ध्वस्त करने की मांग की। वह इस मामले में खटीमा उप जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह बिष्ट तथा वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जो ये काफी समय से चल रहा है, काफी समय से चल रहा है और हम चाहते हैं कि इसकी जांच, हम पिछले बार भी हमने यही कहा था। इसमें जो है आज हमारे इधर कांग्रेस के हमारे विधायक हैं, हम चाहते हैं कि उनसे भी, कांग्रेस के विधायक से भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी कार्रवाई करवाएं कि जो हिंदू धर्म का जो है अपमान करते हैं, ये करते हैं, और जो इस तरीके का घटना करते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, वो इस चीज़ को नहीं करेंगे। क्योंकि अरे हम तो ये चाहते हैं भाई, किसी गरीब को फैला फुसला के उसके धर्म को तुम परिवर्तन करवा रहे हो, इससे बड़ा गुनाह क्या है। हम चाहते हैं इसकी जांच हो, कहाँ से आ रहा है पैसा कि तुम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार गरीब को जो है, जो शिक्षक नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको तुम जो है इस तरीके के धर्म को करवा रहे हो, ईसाई धर्म में यार। तो हम चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो सख्त। अभी नहीं होगा तो फिर राष्ट्रीय योगी सर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और सच्चाई तक जाएगी। अगर ये लोग, अगर हम तो चाहते हैं भारत ये सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि इसकी जांच हो और ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेजे। अगर नहीं करती है तो राष्ट्रीय योगी हर हिंदू संगठन। ये अभी योगी सेना के कार्यकर्ता अभी थाने पर आए थे, इनका कहना है कि जो यहाँ के जो सीमांचल क्षेत्र के गाँव हैं, उनमें गाँव नौसर है, जावदपुर है, मोहम्मदपुर बुढ़िया है और बंडिया अनेक गाँव हैं, वहाँ पर इनके द्वारा ये संज्ञान लाया गया है कि कुछ मिशनरी, ईसाई मिशनरी के लोग एक्टिव हैं, जो गांव के निर्धन और गरीब परिवारों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर कन्वर्जन कराए, ठीक है। तो उनके द्वारा ये एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, ये प्रार्थना पत्र हमने यहां पर लिया है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी इस प्रकार के तथ्य फोर्सफुली कन्वर्जन के या इस टाइप के तथ्य पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ आपराधिक एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय योगी सेना खटीमा के लोग मेरे पास यहाँ पर आए थे काफ़ी मात्रा में, साथ ही नौसर के ग्रामीण लोग भी मेरे पास आए थे। उनका ये शिकायत है कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर मोहम्मदपुर बुढ़िया में, दान सिंह राणा नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा वहाँ पर एक चर्च का निर्माण करके क्या बोलते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि वो इल्लीगल उनका कन्वर्जन भी करवाने में संलिप्त है। तो एक जांच का विषय है, इसमें हम जांच करेंगे और देखेंगे कि यदि वो जो चर्च का निर्माण किया जा रहा है वो क्या, जो निर्माण हुआ है वो क्या हमारे सरकारी ज़मीन में बना, अगर वो सरकारी ज़मीन में बना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो इल्लीगल कन्वर्जन का मामला है उसकी भी जाँच करके हम उसमें उचित कार्रवाई करेंगे।